few moments later. हेलो गाइस, क्या हाल चाल? मेरा मन पसंद आप देख रहे हैं पसंद यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आपकी सोलो में रैंक बोस? प्लीज मेरे को कमेंट में जरूर बता देना। अब देखो मैं इस वाले मैच में यहाँ पे उतरते हैं एक गंदे का ना बहुत गंदा मानस देने वाला हूँ। अभी देखो फिलहाल के बंदा यहाँ पे उतरा नहीं है। अब जैसे ही बंदा यहाँ पे उतरेगा ना उस बंदे को यहाँ पे फिनिश कर दूंगा और उस बंदे का जो मानस लगने वाला ना इस पर तो मतलब मेरे को पता है बंदा हो सकता है। तो यहाँ पे देखो मैं जाता हूँ फटाफट पेटी खोलने के लिए। अब जैसे ही यहाँ पे पेटी खोलता हूँ तो मेरे को मिल जाता है रिकॉल। तो फाइट लेने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली अपन को। अब देखो आता फटाफट देखो मैं निकल रहा हूँ। अब यहाँ से आता था एक बंदा। और ये भाई साहब मेरे जस्ट आगे गिर दे और मैं इसको यहाँ पे पेटी तुरंत बना देता हूँ। बिल्कुल भी वेट नहीं करता हूँ इस बंदे का। मेरे को पता है मानस बहुत गंदा लगा होगा लेकिन अपन को क्या पन्ने से मारने से मतलब। तो यहाँ पे देखो अभी मेरे को इस वाले पेटी में रिकॉल मिल जाएगा और अब चलेंगे अपन बंदों को मारने के लिए। अब देखो मेरे को पास रिकॉल वगैरह सब कुछ मिल चुका है। अब मैं जा रहा है ऐसा निकल रहा हूँ बंदों की तलाश में क्योंकि मेरे पास रिकॉल वेस्ट नहीं करना चाहिए मेरे को। और यहाँ पे हो सकता है एक आध दो किल निकाल लूँ। तो चलते फटाफट इवेंट पे चलते हैं, वहाँ से अपन किल लेंगे और रिकॉल भी लेंगे। जो अपन को आप रिकॉल का वेट था 8 मिनट का मतलब जो रिकॉल होता है उसको लेंगे। अब देखो अपन पहुंच ही गए यहाँ पे। मैं अपना जो कॉइन होता है मेरा मैं यहाँ पे कहीं पे ड्रॉप कर देता हूँ जिसमें अगर मैं यहाँ पे फिनिश भी हो गया ना तो वो मैं यहाँ पे कॉइन बटर का M4 कुछ मतलब सब कुछ ले सकूँ वहाँ पे M4 वगैरह। और 100 में मैं अच्छा कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फटाफट पहले रिकॉल लेते हैं अपन और रिकॉल लेने के बाद निकल रहे होते हैं यहाँ से। और उतने मेरे को यहाँ पे ओपन एक बंदा दिखता है जो यहाँ पे मैकलन बंदा जो अपन देखा था शुरू में मिला था वो यहाँ पे आ चुका था। अब इस वाले बंदे को देखो मैं कितना ज़्यादा डैमेज दूंगा और फिर इसकी यहाँ पे लोकेशन मेरे को अपने आप चलेगी पता। इस बंदे को यहाँ पे डैमेज दे चुका हूँ बहुत ज़्यादा और बंदे की मेरे को लोकेशन आ रही है। देखो बंदा बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है एक्चुअली। अब देखो बंदे की मेरे को लोकेशन ऑलरेडी आ रही है, मैं जा रहा हूँ उस बंदे को फिनिश करने के लिए। और भाई साहब ये भाई साहब यहाँ पर कर रहे थे हीलिंग और मैंने इसकी हीलिंग पेटी बना दी है। और गाइस यहाँ पे इस बंदे की पेटी कॉल पर सुनेंगे ना इसका आवाज़ तो आप लोगों को नहीं सुना देगा। मैंने यहाँ पे क्लिप काट दिया क्योंकि कितना मेरे को यहाँ पर 200 मीटर दूर और कोई एक बंदा दिखा था लेकिन वो ग्लिच है क्या है मेरे को नहीं पता। अब मैं जाता हूँ ऊपर साइड को यहाँ से। अब यहाँ से ऊपर तो आ चुका था मैं। अब इतने मेरे को यहाँ पर सामने साइड से एक फायर आता है। फायर तो वहाँ से मेरे को आ चुका था लेकिन मेरे को बंदा स्पॉट नहीं हो रहा था बंदा कौन साइड को है। और उतने में यहाँ पर मैकलैन दिखती जो ये ऊपर वाला बंदा है ना इसी एक मतलब गाड़ी को स्प्रे मारता है तो मैं भी यहाँ पे हाथ धो लेता हूँ स्प्रे में। अब यहाँ पे बंदा बहुत बुरी तरह बच गया। अब बंदे का मतलब बचने का चांस तो बिल्कुल भी नहीं मेरे को पता है। अब मैं फटाफट उठाऊंगा मतलब जो अपना मॉन्स्टर है उसको फटाफट उठाऊंगा और जाऊंगा उसी बंदे पे। लेकिन यहाँ पे मेरे से किल ना हो से किसी दूसरे बंदे से किल होने वाला है। अब मैं ऐसा दूर दूर से जा रहा था जिसमें बंदे को लोकेशन ना चले मेरे पता लेकिन आखिरकार देखो होता क्या है। बंदे को यहाँ पर डैमेज आखिरकार अच्छा हो चुका है लेकिन बंदा यहाँ पर मरा नहीं है। और यहाँ पर जैसे ही आता ना मेरे साथ क्या होता बंदे को। अब मेरे को यहाँ पे कहीं दूर से स्प्रे आता है तो यहाँ पे मेरे को पूरा लेट कर देता है तो मैं समझ जाता हूँ बंदा यहाँ पे मेरे पे एम लेके बैठा हुआ है। अब मैं जोन बंदे को वहाँ पे स्प्रे दे रहा था पहले मैं उसी पे जाता हूँ लेकिन वहाँ पे बंदा एक्चुअली था नहीं वो मर चुका था ऑलरेडी। इस दूसरे बंदे ने उसको यहाँ पे फिनिश कर दिया था। तो यहाँ से निकलता हूँ मैं घर साइड को। जब ये मैकलैन बंदा है ना ये बंदा मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था।
अब भाई साहब पता नहीं क्या गली खेला था, खिड़कियों में से यहाँ पे मैं चढ़ने वाला था ऊपर को, और यहाँ पे मैं मरते मरते बचा हूँ। जो यहाँ पे मेरी किस्मत ही मेरे को बचा लेगा। मैं यहाँ पे वेट करता हूँ उस बंदे का जो यहाँ पे मैकलन वाला बंदा था ना अभी फ्लैट के लिए, वो सामने से यहाँ पे थोड़ा सा रुक चुका है, तो मैं जाता हूँ फटाफट वहीं पे। डैमेज देने के बाद ना बंदा निकल जाता है किसी दूसरी लोकेशन पर। मैं आता हूँ सीधा ऊपर इस मतलब इवेंट पे, तो यहाँ आने के बाद एक मॉन्स्टर ऑन हो चुका था ऑलरेडी। अब बस देखो उस बंदे के अपन पेटी क्या बनाते हैं। अब यहाँ पे बंदे की बहुत किस्मत बेकार चल रही थी, इसका नाम था कतई आफत, और इसके अपन ने पेटी तो बना दिया। अब फटाफट मॉन्स्टर लेके अपन चलेंगे, निकलेंगे यहाँ से, और यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, सर्कल पूरा यहीं पे बनने देंगे। अब अपन ने यहाँ पे देखो सब कुछ फिनिश कर दिया, अपने यहाँ पे राज हो चुका है इवेंट पर। इतने में यहाँ पे मॉन्स्टर आ जाता है, तो इस मॉन्स्टर को उठाते हैं फटाफट और निकलते हैं यहाँ से। अब अपने यहाँ पे लूट सब कुछ कम्प्लीट हो चुकी है, अब निकलते हैं फटाफट मॉन्स्टर लेके। और मॉन्स्टर अपन ज़्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि अपन को पता है यहाँ पे फ्यूल बहुत आसपास बिल्कुल भी नहीं मिलता है, तो अपन मॉन्स्टर यहीं पर रख लेंगे। और जब यहाँ पर लास्ट जोन बनेगा ना, जब यहाँ से निकलेंगे। अपन ने यहाँ पे मॉन्स्टर ओपन कर लिया, अब चलते हो फटाफट नीचे साइड को। अब मेरे को वहाँ पे बॉल्डी बहुत टाइम हो चुका था, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से जोन की साइड को, और इतने में यहाँ पे मेरे को बग्गी मिलती है। और फिर यहाँ पे एक बार पकड़ने के बाद बग्गी मेरे को दोबारा हाथ से मिलती ही नहीं है, निकल जाती है जोन साइड को, तो मैं भी निकलता हूँ फटाफट जोन में। ये भाई साहब मेरे को ना बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे थे, तो यहाँ से निकलना ही मेरे को पड़ा। इस बंदे को अपन फिनिश तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बंदा कवर में ऑलरेडी। तो अपन निकलते हैं यहाँ से अच्छे से लोकेशन पर, वहाँ पे अपने को सेव मिल सके और यहाँ पे थोड़ा सा सर्वाइव कर सके। तो जैसे यहाँ से निकलते ना, तो सामने से यहाँ पे एक मॉन्स्टर और दिखता है। मैं सोचता हूँ पहले उस बंदे से फाइट लिया जाए, लेकिन बट यहाँ पे फाइट नहीं लो क्योंकि दूसरा बंदा यहाँ पे अपने पास आधा उठा लेगा और अपन को फिनिश कर देगा। इसलिए आप जितना सर्वाइव कर सको ना उतना सर्वाइव कर लो खाली ऑलरेडी। तो यहाँ पर मेरे को ये वाली लोकेशन अच्छी लगती है, मैं यहीं पे वेट कर लेता हूँ बहुत देर तक, यहाँ पे होल्ड कर रहता हूँ लास्ट जोन तक बिल्कुल। यहाँ पे बहुत टाइम हो चुका था होल्ड करते करते, लेकिन यहाँ पे अगल बगल बंदा कोई भी नहीं गुजर रहा था, और इतने में यहाँ पे कोई मेरा मॉन्स्टर डैमेज करता है। तो यहाँ से मेरे को ओपन बंदे दिखते हैं,
अब इन भाई साहब को फिनिश करने के बाद यहाँ से इसकी पेटी लूटने के बाद निकलेंगे जोन में, क्योंकि और पे ऑलरेडी जोन स्टार्ट होने वाला है। तो अपने यहाँ पे सर्वाइव बहुत कर लिया अपने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लास्ट में जो मेरे साथ मजा होने वाला है ना, वो मैं क्या बताऊँ अपन को। मैं यहाँ पे नॉक हो जाता हूँ और शुगर मना, यहाँ पे मेरे पे हेल्थ वाली थी नहीं, यहाँ पे मैं मरने का कोई मौका नहीं चुका था वहाँ पे। एक्चुअली मेरे को बताऊँ आप लोग को, अब देखो यहाँ पे एक्चुअली एक बंदे से फाइट ले रहा होता है, उतने में यहाँ पे जोन स्टार्ट हो जाता है। अब जोन स्टार्ट होने के बाद ना सीधा यहाँ से निकलता हूँ मैं जोन साइड को। अब मेरे को नहीं पता था मतलब एक गलत सीन होने वाला है, मतलब यहाँ पे मैं बस देखो आप यही कहोगे भाई सोलो में ये बंदा यहाँ पे कैसे कैसे बच सकता है। बस देखो यहाँ पे क्या होता है, और भाई साहब यहाँ पे मेरे को एक बंदा नॉक करता है और जो जिन मेरे को नॉक किया ना वो बंदा किसी दूसरे बंदे ने फिनिश कर देता है। अब यहाँ पे मैं रिवाइज हो रहा था और मेरे को अपना टेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा था यहाँ पे कि मेरे को ऐसा कोई फिनिश ना कर दे। आखिरकार यहाँ पे मैं रिवाइज होने के बाद अब मैं हीलिंग करता हूँ यहाँ से। समय पर यहाँ पर अपने एक लिए कवर बनाता हूँ क्योंकि कवर मस्त होता है, आपको पता है कवर बनाना चाहिए बंदों को। और ये बंदे यहाँ पर कई बार यूज़ नहीं करते, इस बंदे को आप लोग यूज़ ज़रूर किया जाए। अब यहाँ पर मैंने अपना कवर बना लिया था। अब ऑलरेडी बचे थे यहाँ पर तीन बंदे जिसमें से एक बंदा मैं था और दोनों की मेरे को यहाँ पर लोकेशन पता थी, एक राइट में और एक सामने खड़े यहाँ पे आए। अब राइट वाला मेरे को नहीं पता था, मेरे बिल्कुल क्लोज में है, बस यहाँ पर मैं सामने वाले बंदे से यहाँ पर फाइट ले रहा था आराम से। अब देखो यहाँ पर होता है क्या। अब भाई साहब यहाँ पे मलाई कोई और ले जाता है और यहाँ पे मेरी इजी पेटी बना देता बंदा, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे इस वाले मैच में प्लस बहुत तकड़ा मिल चुका है। तो गाइस आज की वीडियो में इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना और वीडियो को लाइक अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू मी जान।